दोस्तों महेश बाबू की ब्लॉकबस्टर फिल्म पोकरी को उनके ही जन्मदिन के दिन 9 अगस्त को रीमास्टर्ड वर्जन के साथ री-रिलीज किया गया और इस फिल्म को अब भी बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला। जबकि टॉलीवुड में पहले ही बिंबिसारा और सीतारामम अच्छा बिजनेस कर रही है। पोकरी ने अपने स्पेशल शो के पहले दिन में 1,10,00,000 का नेट कलेक्शन किया तो 1,35,00,000 का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 15,00,000 का कलेक्शन किया। कुल मिलाकर इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 1,50,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और ये फिल्म इंडियन हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब तक किसी भी री-रिलीज फिल्म ने इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं किया। पोकरी जब सन 2006 में रिलीज हुई थी तब इस फिल्म ने इंडिया में 48,60,000 का नेट कलेक्शन किया था तो 64,45,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी और टॉलीवुड में इंडस्ट्री हिट भी साबित हुई थी। दोस्तों मैंने पहले ही पोकरी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।